ये भी बजट 10 लाख के आसपास में है वो ये गाड़ी का ऊपर देख सकते हैं, मतलब कमाल का फीचर्स हो गया, बहुत कुछ इसमें चेंज हो गया है पुराना बेलेनो से अगर मैं बात करूं। मैं एक एक करके इस वीडियो में सारा कुछ आपको डिटेल में शेयर कर दूंगा कि क्या क्या इसमें चेंज होके आया हुआ है। मिलते हैं यहाँ से, आज हम उसको जो गाइड करने वाले हैं और आप लोगों को जो गाइड करने वाले हैं वो है यहाँ के रिलेशनशिप मैनेजर जो है रोहित दास से मिलते हैं। कैसे हैं? सब कुछ ठीक है। आए हमारी गाड़ी देखने के लिए। ओके मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे उन्होंने कहा 10 लाख की जो बजट है आपकी, तो फिर ये आपके लिए बेहतरीन कार हो सकती है। मगर इनफैक्ट ये अगर हमारे सिलीगुड़ी प्राइस के हिसाब से जाएंगे तो 7.329 लाख से स्टार्टिंग प्राइस है ऑन रोड में। ओके तो जो 7 लाख की भी बजट है वो भी इस गाड़ी को देख सकते हैं, उसमें भी काफी सारे फीचर्स मिलेंगे। तो जो भी इस गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइसिंग है और फाइनेंस वगैरह के लिए भी बहुत कुछ सोच रहे होंगे तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। हम लोग लास्ट में जो है इसका ऑन रोड प्राइस और जितने भी मॉडल्स वेरिएंट है सारे के ऑन रोड प्राइस एक्स शोरूम प्राइस सारा कुछ आपको डिटेल में एकदम शेयर करने वाले हैं, तो जुड़े रहे वीडियो में, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले मैं हम लोग का लोकेशन बताना चाहूंगा, ये सेवक मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के अंदर में नेक्सा शोरूम है। ओके जो कि आपके शालीगोरा रोड में गिरता है आपके सोना व्हील्स पेट्रोल पंप के बाद में, या तो आप जो पुराना रेडियो सेंटर है उसके पास भी आ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर कॉन्टैक्ट डिटेल सारा कुछ अवेलेबल है, आपको जो भी नेक्सा का जो भी गाड़ी वगैरह देखना है आप लोग शोरूम में विजिट कर सकते हैं या फिर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट अपना बुक कर सकते हैं। तो सर बात करते हैं इसमें क्या क्या वैसे चेंज हो चुका है, और मैं जितना जानता हूँ कि पुराना जो वेलेनो है काफी सक्सेसफुल गाड़ी है आपका, ये 10 लाख से ज्यादा गाड़ी जो यूनिट आपका सोल्ड आउट हो चुका है और ये नया लॉन्च हुआ है, कस्टमर जो रिव्यू आपका क्या दे रहे हैं अभी? काफी एक्साइटमेंट है मार्केट में। ओके काफी बस चल रही है इसके बारे में, काफी कस्टमर पहले से क्वेरीज कर रहे थे कि कब हमारी ये अनवील होगी। ओके तो फाइनली ये अनवील हो चुकी है, इसमें चार वेरिएंट्स आती है। ओके चार वेरिएंट्स कुछ इस कदर है कि आपका सिग्मा आएगा, डेल्टा आएगा, जीटा एंड अल्फा हमारा टॉप वेरिएंट आ जाएगा। ओके आपका दो टाइप का ट्रांसमिशन सिस्टम आता है, एक आपका एजीएस में आता है, पहले एटी आता था अब एजीएस में आ रहा है। ओके साथ में आपको मैनुअल भी मिल जाएगा। ओके और टेक्निकली जो है ये चारों वेरिएंट सिमिलर है, कोई भी चेंजेस नहीं है उसमें। okay. आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा, प्राइस में आपको चेंजेस मिल सकता है जो कि आपका फीचर्स बेसिस में है। ओके okay. okay, इसमें और कमाल का जो फीचर्स है वो आपको क्या क्या फीचर्स आ जाएंगे जो काफी ज्यादा मतलब एकदम बुलेनो का नेक्स्ट लेवल पे लेके जा चुका है? जैसे कि आपने बताया कि इसमें आपको 360 कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा, और क्या क्या रहेगा इसमें डिटेल? कुछ ऐसे फीचर्स आए हैं जो कि पहले कभी भी मारुति में नहीं लाया गया। ओके तो जैसे कि स्टार्टिंग से मैं बोलूंगा तो इसमें 6 एयरबैग्स आ रही है। ओके वो आपको टॉप टू मॉडल्स में मिलने वाले मॉडल्स में मिल जाएगा। ओके और सेफ्टी में हम लोग ने काफी ध्यान दिया है, तो 360 डिग्री आपका कैमरा आ गया और बॉडी अब बिल्ड क्वालिटी जो है वो पहले से काफी ज्यादा इनहेंस होकर आया हुआ, पहले से अच्छा है। टच एंड फील करेंगे तो समझ सकेंगे कि बिल्ड क्वालिटी में भी काफी चेंजेस आए। जी 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 तो एक बार हम लोग थोड़ा सा केबिन में जाते हैं और आपको जो भी अंदर में जो चेंज हुआ है वो सारा कुछ आपको डिटेल में हम लोग बताते हैं। वैसे यहाँ पे आपको DRL है वो इसमें आ चुका है, LED में सारा कुछ, आपको फॉग लाइट और एक खासियत ये है। ओके चारों वेरिएंट्स में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाएंगे, सेकंड टू वेरिएंट्स में आपको DRL भी मिल जाएगी। ओके और ये सारे LED फीचर्स है, सारे LED में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इनफैक्ट बैकलाइट जो है इसका वो भी आपको LED में ही देखने के लिए यहाँ पे जो है वो मिल रहा है। थोड़ा सा देख सकते हो कस्टमर जो है काफी ज्यादा हैं, काफी ज्यादा इस गाड़ी का जो डिमांड इस तरह हाइप होके निकल के आया है कि काफी ज्यादा कस्टमर यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। मैं लगभग 1-1.5 घंटा से हूँ, लेकिन फिर भी आपको जो है जो भी शेयर जो भी डिटेल रहेगा वो मैं इस वीडियो में जो आपको है शेयर करता हूँ। अगर मैं इसका थोड़ा बहुत इंजन का अगर आपको थोड़ा भी डिटेल दूं तो इसमें आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और पहले की बात करूं तो पहले में आपको 83 PS का पावर जनरेट करता था, लेकिन अभी जाके ये 89 PS का पावर करता है। साथ ही में इसके साथ में आपको 130 न्यूटन मीटर का जो है इसमें टॉर्क देखने के लिए मिल जाएगा। एक चीज इसमें एक्स्ट्रा चेंज होके आया है, जो आपको यहाँ पे शोल्डर लाइन जो देखने के लिए दे रहा है, ये अगर पुराने मॉडल में आप लोग जाके देखोगे तो पुराने मॉडल में आपको ये शोल्डर लाइन जो है ये देखने के लिए नहीं मिलता था, लेकिन अब जाके पहले बहुत ज्यादा कर्वी में मतलब गाड़ी जो है देखने के लिए आपको मिलता था, लेकिन अभी सामने से अगर आप इसको देखिएगा तो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव। अगर मैं यही अगर इसका बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो एक बार आप इसका मैं ये बंद करके आपको दिखाता हूं, बिल्ड क्वालिटी जो है काफी ज्यादा सही है। अगर मैं इसका वजन की बात करूं तो ओ भाई एक हाथ से ठीक से उठ भी नहीं रहा है। बिल्ड क्वालिटी इसी से आपको मालूम जो है उससे थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाएगा, और बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा सही है। एक बार अंदर चलते हैं और अंदर से आपको डिटेल वगैरह थोड़ा शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं अंदर में घुसते समय आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे आपको ब्लू कलर में देखने के लिए जो मिल रहा है, और काफी ज्यादा ये जो है ना सॉफ्ट टच में है, यहाँ पे कपड़ा का इस्तेमाल किया गया है, काफी ज्यादा प्रीमियमनेस लग रहा है। यहाँ पे पियानो ब्लैक का फिनिश दिया हुआ है, काफी ज्यादा जो है प्रीमियम सेक्टर का ये जो है गाड़ी आपको देखने के लिए सामने से आपको मिल जा रहा है। काफी अच्छा जो है इसमें चेंज हो चुका है, और काफी सारे आप वीडियोज देखे होंगे उसमें आपको डिटेल दिया गया है कि इंफोटेनमेंट जो सिस्टम है वो 10 इंच का है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर बात करूं तो ये इंफोटेनमेंट जो सिस्टम है ये आपको
9 इंच का है, 1 इंच आपको इसका जो है कवर वगैरह है उसकी वजह से सभी लोग इसको जो है 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम बता रहे हैं, लेकिन वह एक्चुअली प्रैक्टिकल में अगर आप देखोगे तो ये 9 इंच का ही है। एसी वेंट्स है, ये आपको एसी के जितने भी बटन्स वगैरह पूरे एसी का सिस्टम ही आपको चेंज होकर आया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा जो है ये शानदार लग रहा है, बटन्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहे हैं, अलग से देखने के लिए मिल रहा है, काफ़ी सही है। इंटीरियर आपका इसका पूरा ही चेंज हुआ है। ओके, पहले से जो स्टीयरिंग माउंटेड वगैरह था ये सब कुछ अभी भी है। ओके, इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे मैंने कहा कि लो इंच का हो चुका है, साथ में इसमें आपको इनबिल्ट सुजुकी कनेक्ट मिल जाएगा फॉर 3 इयर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। ओके, ठीक है, साथ में एलेक्सा मिल जाएगा विद 30+ फीचर्स, ये सारे एडिशनल फीचर्स है। फिर आपका क्रूज कंट्रोल आ जाएगा, क्रूज कंट्रोल इसमें आ चुका है, जैसे मैंने सेफ्टी का बोला था 6 एयरबैग से जो कि फ्रंट में आ जाता है। ओके, आपका IVRM जो है ये भी आपका ऑटो मोड में है। ओके, प्लस इसकी एक आउट ऑफ खास फीचर्स है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आपको पॉपअप डिस्प्ले देखने के लिए मिल जा रहा है, काफी ज्यादा शानदार। अगर आपके स्टीयरिंग सीट आपका हेडअप डिस्प्ले है, ओके, हेडअप डिस्प्ले जिसपे आपको MID के मल्टी इन्फॉर्मेशन जो है इसमें भी ड्राइविंग को दिख सकेगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट ना हो। ओके ओके, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट ना हो, और एक तरफ से काफी ज्यादा सही भी लग रहा है, प्रीमियम भी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ कोई आप महंगी गाड़ी में बैठे हुए, ऐसा नहीं लगेगा कि आपको एक 10 लाख के बजट कार में बैठे हुए, ऐसा लगेगा कि हाँ कोई तो महंगी कार ही है। अगर आपको ये छोटा छोटा जो मारुति ने जो छोटा छोटा काम किया है ना, छोटा ये ज्यादा बड़ा काम नहीं है एक्चुअली, ये छोटा छोटा काम है लेकिन इतना अच्छा से इनहेंस होकर आता है कि आपको आप लोगों ने नजर में ये चीज बैठने वाली है। और स्टीयरिंग वगैरह भी चेंज होकर आया हुआ है, डी कट में आपको स्टीयरिंग जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रहा है, ड्यूअल टोन में आपको स्टीयरिंग देखने के लिए वो भी मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सुजुकी का जो है लोगो वगैरह है, और इंफोटेनमेंट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे सारे बटन्स वगैरह दिए हुए हैं, कॉल रिसीव करने के लिए, कॉल जो भी आपको कॉल वगैरह का डिटेल रहता है वो सारा कुछ यहाँ पे बटन वगैरह दिया हुआ है, यहाँ पे अपना क्रूज कंट्रोल है। एक बार मैं आपको रियर सीट में बैठ के जो है उसका बताता हूँ कि रियर सीट में बैठने से कैसा कंफर्टेबल है कि नहीं है। मेरा जो सामने का सीट है वो मैं सेट करके ही रखा हूँ, ना आगे करना है ना पीछे करना है। एक बार रियर सीट में बता दूं, मेरा हाइट है 5.8 इंच, अगर 5.8 का कोई भी बंदा है तो उसके लिए रियर सीट है वो कंफर्टेबल है कि नहीं है मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे भी आप गैप देख सकते हो, इतना ज़्यादा है, और सामने का तो आप छोड़ ही दो, इसका गैप देखने का ज़रूरत ही नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है। अगर सामने का मैं जो सीट है उसको एडजस्ट करके बैठा हूँ, काफ़ी ज़्यादा गैप मिल रहा है, और थाई सपोर्ट भी आप नीचे से यहाँ से देख सकते हो, थाई सपोर्ट भी मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन ढंग से अच्छे से जो है इसमें रियर सीट में कंफर्टेबल। रियर में भी आपको सॉफ्ट टच देखने के लिए जो मिल रहा है, यहाँ पे कपड़ा है, ये सॉफ्ट टच है, काफ़ी ज़्यादा जो है सही चीज़ आपको देखने के लिए लग रहा है। और यहीं अगर मैं इसका टायर सेक्शन की बात करूँ तो इसमें आपको जो ये टॉप मॉडल है इसमें आपको 195/15R16 16 इंच का आपको इसमें जो है टायर देखने में मिल जाएगा। अच्छा, वो टायर्स में अगर इससे नीचे वेरियंट में जाएंगे तो टायर साइज में भी डिफरेंस आएगा, ये जैसे 16 इंच है वो 15 इंच का आएगा, वो 15 इंच का आएगा। इसमें आपको प्रिसीजन एलॉय कर्व्स दिख रहे हैं आपको, बीटा वेरिएंट ऑनवर्ड्स उसमें आपको पेंटेड एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। ओके, नीचे में आपको व्हील कवर मिल जाएगा, व्हील कवर मिल जाएगा, आप कवर एक्स्ट्रा लगा के भी आप अपना जो है चला सकते हो। अगर मैं वैल्यू फॉर मनी कार की बात करूं तो विलेनो में आपको ये जो सिग्मा वेरिएंट है ये सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर कार हो जाएगा। सर, इसका ऑन रोड प्राइस सिलीगुड़ी में क्या आएगा? 739,000 के आसपास में है, और ये सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। इसमें भी आपको बहुत कुछ है जो पहले से दिया हुआ है, डिफॉगर वगैरह हो गया, LED हेडलाइट और प्रोजेक्टर हेडलैम्प वगैरह इसमें जो है पहले से दिया है। एक बार मैं केबिन में चलता हूँ तो केबिन में आपको सारा कुछ दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे वो सब कुछ सेम दिया हुआ है। 4 पावर विंडो का आपको यहाँ पे सारा फंक्शन वगैरह दिया हुआ है, और एक चीज जो सबसे ज्यादा बेस मॉडल में लोग बोलेंगे कि भाई यहाँ पे जगह दिया हुआ है, अगर मैं इंफोटेनमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे आप इंफोटेनमेंट जो है शोरूम से अलग से भी लगवा सकते हो, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर स्पेस दिया है। मारुति जो है काफी ज्यादा सही काम करके रखा है, इस क्लाइमेट कंट्रोल जो है ये सारा कुछ ऑटोमेटिक है, यहाँ पे देखने के लिए जो है आपको ये मिल जा रहा है, और ये जगह इंफोटेनमेंट अगर आपको अलग से लगवाना भी है तो आप शोरूम से वो भी लगवा सकते हैं। एक बार बात कर लेते हैं, तो ये अगर इंफोटेनमेंट किसी को लगवाना है तो वो आपसे लगवा सकते हैं क्या? लगवा सकते हैं, तो प्रॉपर स्पेसिंग जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जा रहा है, ऐसा नहीं है कहीं से कुछ काटना पड़ेगा या फिर सेटिंग करके मतलब DIY करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मारुति जो है पहले से आपके लिए जगह दे के रखा हुआ है ताकि आपको बेस वेरिएंट लेने के बाद भी जो है आप इसको इजीली ले सकते हैं। और 7,39,000 ऑन रोड प्राइजेस सिलीगुड़ी में। अगर किसी को फाइनेंस करवाना हो तो इसको मिनिमम डाउन पेमेंट कितना देना होगा? या नॉर्मली जो फाइनेंस क्राइटेरिया रहता है वो प्रोफाइल के ऊपर, प्रोफाइल के ऊपर तो रहता है, जिसका प्रोफाइल सही है सही है। अगर तो अभी हमारे SBI के साथ और काफी बैंकों के साथ अच्छी टाइप्स हुई है, तो उन लोग की तरफ से किसी किसी बैंक में 100% फंडिंग भी कर रहे हैं। ओके, 100% फंडिंग भी कर रहे हैं,
डिपेंड करते हैं उनके सिविल स्कोर ओके। नॉर्मली क्या होता है 15% एज ए डाउन पेमेंट देके गाड़ी ले सकते हैं, 85% तक लोन है, लोन हो जाता है। और मंथली ईएमआई तो वो अगर आप बेस करते हैं कितना लोन लेंगे, कितना लोन लेते हैं, अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्टेड है ना कि बेलेनो में, अगर मारुति की नेक्सा की कोई भी गाड़ियों में इंटरेस्टेड है तो आपको शोरूम का डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप लोग जाके इजिली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर शोरूम में कॉल कीजिए, अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए एंड आ जाइए। तो ये रहा अपना जो है सिग्मा वेरिएंट। अगर सिग्मा से आप डेल्टा में जाते हो तो कितना का डिफरेंस है? एक शोरूम की बात कर रहा हूँ मैं, शोरूम लगभग 85,000 के आसपास डिफरेंस है। और डेल्टा से जीटा में जाएंगे तो वही 85-90K के आसपास में डिफरेंस है। और जीटा से आपको अगर अल्फा में जाएंगे तब भी 90K के आसपास में जो डिफरेंस है। तो आपका रिलेटेड में जितना भी मानू बलेनो का ऊपर जो भी आपको डिटेल था वो सारा कुछ मैं आपको शेयर जो है वो कर चुका हूँ। आप लोग बताइएगा वीडियो जो है वो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को लीजिएगा सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताइएगा नेक्स्ट टॉपिक कौन से कार या फिर बाइक के ऊपर मैं कवर करूं। और सर का भी नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई भी कार का कोई भी रिलेटेड में अगर आपको क्वेश्चन करना है तो सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप कॉल करके आप पूछ के अपना टाइम निकाल के विजिट कर सकते हो। गाड़ी में काफी सारे फीचर्स अभी भी ऐसे हैं जो हम लोग बता नहीं पाए हैं, तो आप शोरूम विजिट कीजिए क्योंकि एक ही वीडियो में हर गाड़ी का एकदम प्रॉपर डिटेल हम लोग शेयर नहीं कर सकते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, घंटों का वीडियो हो जाएगा। तो ये ऊपर से जो हम लोग को दिखा वो हम लोग ने आपको सारा कुछ डिटेल वगैरह शेयर किए। और आपको और भी कुछ जानना इंटरेस्टेड है क्योंकि काफी ज्यादा चला हुआ गाड़ी है, 10 लाख से ज्यादा यूनिट ये पहले से सेल आउट हो चुका है और अभी भी सिलीगुड़ी में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस है, लेकिन वेटिंग वगैरह चल रहा है। वेटिंग इन फ्यूचर आ जाएगा, इन फ्यूचर आ जाएगा क्योंकि शायद इसी महीने में आ जाएगा क्योंकि बिलों ने बहुत ज्यादा बूम किया है। मारुति की अगर हमारे काफी पाइल्स ऑफ बुकिंग आ चुकी है तो हम लोग अभी कस्टमर को उनको वेटिंग हिसाब से दे रहे हैं, तो इन फ्यूचर में भी और ये वेटिंग पीरियड लंबा हो सकता है। जी जी, तो यही कहूंगा अगर इंटरेस्टेड है तो जल्दी से जल्दी शोरूम में आइए, बुकिंग कीजिए। बुकिंग अमाउंट कितना आ जाएगा? 11,000 के आसपास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आप डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू भैया सो मच, मिलते हैं हम लोग आपके साथ फिर अगले कोई वीडियो में, बाय बाय।